नमस्ते, मैं शौर्वाणी। मेरे सहज सुस्वादु चैनल में आपको स्वागत है। मेरा आज का रेसिपी मिलेट से बने हुए चावल, एकदम खिला खिला चावल कैसे बनाएंगे, यही आज मैं आपको दिखाऊंगी। गेहूं, चावल ये सब रहने के बावजूद भी मिलेट को क्यों खाएंगे? क्योंकि तीन इम्बैलेंस के वजह से हमारा डिजीज आता है शरीर में, ग्लूकोज इम्बैलेंस, हार्मोन इम्बैलेंस एवं माइक्रोबियल इम्बैलेंस। तीनों इम्बैलेंस को करेक्ट करता है मिलेट। एक कप मिलेट लिया, उसे पानी से सोक करके ओवरनाइट रखेंगे। मिनिमम 6 से 7 घंटा सोक करके रखना पड़ता है। आइए आपको दिखाते हैं 5 मिलेट, लिटिल मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, कोड़ो मिलेट, बर्नार्ड मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट। मेरा आज का रेसिपी फॉक्सटेल मिलेट से बनाएंगे। ये 5 मिलेट ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ग्लूकोज को रिलीज करता है स्लोली। इसमें बहुत सारा फाइबर रहता है, इनसॉल्युबल एवं सॉल्युबल फाइबर। आउटर लेयर में इनसॉल्युबल फाइबर रहता है और इनर लेयर में सॉल्युबल फाइबर रहता है, इसलिए इसको भिंगो के रखना पड़ता है। नहीं तो इनसॉल्युबल लेयर फाइबर का जो होता है वो कुक नहीं हो पाएगा, आउटर लेयर ही कुक होगा। 1 कप मिलेट में 2.5 कप पानी दिया, ताकि एकदम खिला खिला राइस बने। इसको लो फ्लेम में पकाना पड़ता है। एंशियंट टाइम से मिलेट को खाया जाता था, इसलिए मिलेट को एंशियंट फूड भी बोला जाता है। इसमें फाइबर के मात्रा इतना ज़्यादा है, इसलिए 3 से 4 घंटा तक भूख नहीं लगता है। बॉइलिंग होने के बाद इसको ढक्कन अलग करके पकाएंगे, जब तक ना ये खिला खिला बन जाए। इसे मिट्टी का बर्तन में बनाने से विटामिन इंटैक्ट रहता है। मिट्टी का बर्तन एल्कलाइन नेचर होता है इसका, इसलिए फूड को पीएच बैलेंस न्यूट्रलाइज करता है। और मिट्टी का बर्तन नेचुरल डिटॉक्स होता है, इसलिए खाना ज़्यादा हेल्दियर होता है एवं टेस्टी भी होता है। राइस एवं व्हीट खाने से इससे फाइबर नहीं मिलता है, इसलिए ग्लूकोज 15 मिनट के अंदर ब्लड में चला आता है। चावल एवं गेहूं में 0.2 एवं 1.2 ग्राम फाइबर रहता है, जो पॉलिश करने के बाद 0 फाइबर हो जाता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट डंपिंग होता है बॉडी में। इसके वजह से अनवांटेड फैट हो जाता है, डायबिटिक कंडीशन आ जाता है बॉडी में। मिलेट हमारा बॉडी को क्लीन अप करता है। 6 महीना से 2 साल के अंदर शरीर का सारे डर्ट क्लीन अप कर सकता है मिलेट। डायबिटिक ओबेसिटी को प्रिवेंट करता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है मिलेट। ये खाने से बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। फॉक्सटेल मिलेट को इटालियन मिलेट कहा जाता है। ये लंग एवं लंग रिलेटेड डिजीज, नर्व एवं नर्व रिलेटेड डिजीज को क्योर करता है। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर चाइल्ड को भी करेक्ट करता है 6 वीक से 8 मंथ के अंदर।
जिसका बहुत मूड स्विंग करता है। ये ठीक होता है क्योंकि फॉक्सटेल मिलेट का फाइबर नर्वस टॉक्सिक मटेरियल को क्लींज अप करता है। आइए हम सब मिलेट को अपनाएं और व्याधियों को दूर हटाइए। मैं आप लोगों पे शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने मेरे रेसिपीज को पसंद किए हो, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब किए हो। धन्यवाद।